हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली अदर है। मेरा नाम अकाल मेरा है। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों, आज की वीडियो भगत सिंह जी के बारे में। टाइटल है व्हाई भगत सिंह इज गॉड, मतलब क्यों भगत सिंह ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड का मैंने फुल फॉर्म देगा। पहले मैं सोचा ये भगत सिंह जी को गॉड बोल रहा है, पर मतलब अलग है इसका, मतलब सबसे ग्रेट। तो देखते हैं आखिर क्यों है वो ग्रेट सबसे, ये भाई हमें बताएंगे। ट्राई महात्मा करें। गांधी कराची पहुंचते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के लिए, पर उनके आसपास हवा बदल गई। यूजुअली उनको लोग बहुत खुशी और सम्मान से वेलकम करते हैं, पर इस बार उनका वेलकम किया जा रहा है गांधी मुर्दाबाद के नारे से। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रही है, नारे लग रहे हैं और दुकानें बंद हैं, क्योंकि 3 दिन पहले एक नौजवान क्रांतिकारी शहीद हो गया। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी बिना की बच चुका है। इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। ये क्रांतिकारी इस धरती पर था 23 साल 5 महीने और 23 दिन के लिए, पर अपनी कम उम्र के बावजूद इस क्रांतिकारी की आज तक बात होती है। क्या किया था इस क्रांतिकारी ने? लाहौर से 150 किलोमीटर दूर बंगा गांव में 29 सितंबर 1907 सुबह के 9 बजे सरदार किशन और श्रीमती विद्यावती का दूसरा बेटा पैदा होता है। इस बच्चे के पैदा होने से पहले उनके पिताजी और पिताजी के दो भाई जेल में हैं एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज की वजह से। पर कोइंसिडेंटली जब ये बच्चा पैदा होता है तो तीनों भाई जेल के बाहर है। इस शुभ दिन की वजह से बच्चे की दादी बोलती है कि ये बेटा भगो वाला है। भगो वाला मतलब लकी है। ये नाम फिर टिक जाता है और बच्चे को फॉर्मली भगत सिंह यानी कि एक महान भक्त बुलाया जाता है। ये बच्चा एक जाट परिवार में पैदा हुआ है जिसके पूर्वजों ने देश और अपनी कौम के लिए लड़ाई करी है। उनके पर दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ सिख एम्पायर के लिए लड़ाई करी और पिताजी और पिताजी के भाइयों ने देश की आज़ादी के लिए। पर शहीद भगत सिंह के बचपन में ही ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो भी मामूली लड़के नहीं। जैसे जब वो 3 साल के होते हैं तो एक दिन वो घर के पास के खेत की तरफ भागते हैं और फिर एकदम से खुदाई करने लग जाते हैं। उनके पूरे कपड़ों में मिट्टी लग गई है पर वो रुकते नहीं है। उनके पिताजी उनसे पूछते कि तुम कर क्या रहे हो, पर शहीद भगत सिंह को जवाब नहीं देते। पिताजी फिर पूछते हैं और एक 3 साल का लड़का कहता है, मैं इधर हथियारों के बीज डाल रहा हूँ ताकि जब ये हथियार के पेड़ बड़े हो सके मैं हमारे देश से अंग्रेजों को हटा सकूँ। ये 3 साल के लड़के के बोल है। पर ऐसी कई चीज़ें भी है जो हमें बताती है कि लड़का एक लड़का ही है। जैसे वो अंधेरे से डरता है और घर के बाहर अकेले रात में कभी भी नहीं निकलता। 5 साल की उम्र में फिर शहीद भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। स्कूल में वो बहुत पॉपुलर है। जैसे उनकी माँ कहती है कि उनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं और कई बार उनके सीनियर्स उनको कंधे में उठाकर घर लाते हैं। पर छोटी उम्र में ही शहीद भगत सिंह के साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते हैं जो उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल देते हैं। यूएस और कनाडा में कई बहादुर नौजवान इंडियंस 1913 से एक मैगजीन चला रहे, गदर। ये क्रांतिकारी मैगजीन है जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलती है। इस मैगजीन के एक राइटर है 17 साल के सरदार करतार सिंह सराभा, जो पंजाब से सैन फ्रांसिस्को आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ये मैगजीन बस एक मैगजीन ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जो अंग्रेजों को एक जंग में हराना चाहती है। इसीलिए सरदार करतार सिंह अपने दूसरे साथियों के साथ अमेरिका से इंडिया आते हैं अपने देशवासियों को उकसाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। पर इस चीज की भनक अंग्रेजों को लग जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 16 नवंबर 1916 को लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। इस चीज़ की वजह से शहीद भगत सिंह का ज़िंदगी की तरफ रुख ही बदल जाता है पूरी तरह। वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी देश के प्रति समर्पित करेंगे। उस दिन से वो हर समय सरदार करतार सिंह की फ़ोटो अपने पास रखते हैं और एक दिन अपनी माँ को बोलते हैं, ये मेरे हीरो, दोस्त और साथी। 1917 में 4th क्लास पास कर शहीद भगत सिंह का परिवार लाहौर शिफ्ट हो जाता है। इधर उनका एडमिशन होता है DAV हाई स्कूल में, पर वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट ही है। 22 जुलाई 1918 को वो अपने दादाजी को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि 150 में से उनके 110
और 67 मार्क्स आए संस्कृत और इंग्लिश में। स्पोर्ट्स में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर स्कूल में वो लगातार गायत्री मंत्र जरूर गाते हैं। और जल्दी एक और इंसिडेंट होता है जो उनको हिला देता है। स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था टुट्सी के इनविजिबल टीथ अलाइनर्स से, जिससे बहुत इजीली आप अपने दांतों के बीच के गैप्स और टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हो 6 to 12 मंथ्स में। इन अलाइनर्स को ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस से बहुत बेटर माना जाता है, क्योंकि एक तो है ये दिखते नहीं है, ये बिल्कुल इनविजिबल है, फिर इनको निकालना और पहनना भी बहुत आसान है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत आसान हो जाता है इन रिमूवेबल अलाइनर्स के साथ। टुट्सी अलाइनर्स को बनाने के लिए मैंने उनकी वेबसाइट से एक 3D टीथ स्कैन बुक किया था। आप डायरेक्टली इनके पैन इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर्स भी जा सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगी। इसके बाद आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। स्कैन आप घर में भी करवा सकते हो और उनके एक्सपीरियंस सेंटर्स में, और स्कैन करवाने के 2 दिन बाद आपके कस्टमाइज अलाइनर्स आपको डिलीवर हो जाएंगे। टुट्सी ने अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों के स्माइल्स डिज़ाइन किए हैं। उनकी टीम में 100 से ज़्यादा डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो आपको 24/7 ऑर्थोडोंटिक सपोर्ट देंगे, और उनके अलाइनर्स USFDA क्लियर्ड है। तो अगर आप अपने टेढ़े मेढ़े दांत को ठीक करना चाहते हो पर ब्रेसेस नहीं पहनना चाहते, तो आप टुट्सी अलाइनर्स ज़रूर चुन सकते हो। मैं आपको एक पर्सनली रेकमेंड करूँगा अगर आपको वेल अलाइन टीथ और एक कॉन्फिडेंट स्माइल चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आपको एक फ्री टीथ स्कैन मिलेगा और डॉक्टर कंसल्टेशन भी। पर याद रहे कि फ्री स्कैन बस लिमिटेड लोगों के लिए है, तो जल्दी क्लिक करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। 13 April 1919, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग विरोध कर रहे अंग्रेजों की पॉलिसीज के खिलाफ। अब लोग जरूर विरोध पीसफुली कर रहे हैं, पर इसकी खबर जनरल डायर को पहुंचती है, एक अंग्रेजी मिलिट्री ऑफिसर जो लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए बिना वार्निंग के वो सारे एग्जिट्स ब्लॉक करते हैं और अपने सोल्जर्स को ओपन फायर करने के लिए। बारह सौ बेगुनाह लोग की मौत हो जाती है और 2000 लोग घायल हो जाते हैं। 12 साल के भगत सिंह इस इंसिडेंट से हिल जाते हैं। वो रात को सो नहीं पाते। अगले दिन जब उनको स्कूल जाना होता है, स्कूल की बजाय वो अमृतसर के लिए एक ट्रेन लेते हैं। फिर वो जलियांवाला बाग जाते हैं और खून से लिपटी मिट्टी को छूते हैं। अपनी पॉकेट से वो एक ग्लास की छोटी बॉटल निकालते हैं और उसमें ये मिट्टी डाल देते हैं। आंखों में आंसू लिए वो इस बॉटल को घर ले जाते हैं। वो लाहौर के नेशनल कॉलेज, जिसको तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं और 2 साल बाद एक BA कोर्स करते हैं। कॉलेज के ड्रामा क्लब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं और अपनी आवाज़ और फिजिक की वजह से कॉलेज में पॉपुलर हो जाते हैं। और इस कॉलेज का एक बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है शहीद भगत सिंह की पॉलिटिकल जर्नी पर। इधर शहीद भगत सिंह ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो देश की आज़ादी में एक बहुत अहम किरदार निभाएंगे। ये कॉलेज कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल बन जाता है गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जब गांधी जी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप उन कॉलेजेस और स्कूल्स को बॉयकॉट करो जो अंग्रेज चला रहे हैं। इस वजह से शहीद भगत सिंह अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के इन कॉलेजेस को बॉयकॉट करते हैं। अब कॉलेज के क्लासरूम में गांधी जी के अहिंसा के बारे में ज़रूर बात करी जा रही थी, पर यूरोपियन हिस्ट्री समझने के बाद शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने कई सवाल पूछे कि गांधी जी बस हवा हवा में बात तो नहीं कर रहे। जब दूसरे देशों को आज़ादी मिली हिंसा के साथ, तो क्या गांधी जी का अहिंसा काम आएगा? ये कॉलेज एक नर्सरी बन जाता है क्रांतिकारियों के लिए, जहाँ स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि उनको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिना सोचे, लॉजिक हर बार उनको यूज करनी चाहिए। अपने प्रोफेसर के जरिए शहीद भगत सिंह इधर मिलते हैं एक क्रांतिकारी से, सचिंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन बनाई। इस पार्टी की वजह से ही शहीद भगत सिंह अपने साथियों से मिलते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद। और सचिंद्रनाथ सन्याल से बात करने के बाद शहीद भगत सिंह कन्विंस हो जाते हैं कि इंडिया को आज़ादी हिंसा से ही मिलेगी। पर यह भी समझो कि शहीद भगत सिंह ने ये बात बिना सोचे समझे नहीं मानी। उन्होंने कई किताबों को पढ़ा, स्पेशली यूरोपियन हिस्ट्री में, जहाँ उन्होंने पढ़ा ऑगस्ट वेलिन के बारे में, एक फ्रेंच क्रांतिकारी जिनको 1894 में फांसी की सजा सुनाई दी गई थी और जिन्होंने पेरिस चेंबर ऑफ ड्यूटीज में एक बॉम्ब गिराया था। क्यों?
ताकि वो लोग जो बहरे हो गए हैं उनको उनकी आवाज़ सुनाई दे। शहीद भगत सिंह के साथ ही कहते हैं कि उन्होंने कई बार इस बुक को बार बार पढ़ा। जो ऑगस्ट वेलन ने स्टेटमेंट दी थी फ्रेंच पार्लियामेंट में, वो शहीद भगत सिंह ने रट ली। और शायद ये कोई जानता नहीं था कि जो कारनामा ऑगस्ट वेलन ने पेरिस में किया, उसी को एक दिन शहीद भगत सिंह हमारे देश में दोहराएंगे। नेशनल कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते और 1923 में वो कानपुर चले जाते हैं। उनके बड़े भाई जगत सिंह की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनका परिवार उन पर दबाव डालता है शादी करने के लिए और ये आज़ादी की लड़ाई छोड़ने के लिए। पर भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते। वो कहते कि मैंने अपने परिवार में देखा है कि आज़ादी की लड़ाई की वजह से बहुत जल्द मेरे चाचा शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी चाची बहुत जल्द अकेली पड़ गई। वो जानते हैं कि इस धरती पर वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। वो कहते कि उनको एक सच्ची शादीशुदा जिंदगी तभी मिलेगी जब देश आज़ाद होगा। मैं भी एक नौजवान हूँ, मेरी रगों में भी गर्म खून बहता है, मेरे मन में भी प्रेम की भावनाएं जोर मारा करती है, पर वे इतनी बलवती नहीं कि मुझे कर्तव्य विमुख कर सके। तो शहीद भगत सिंह जानते कि उनकी जिंदगी में होने क्या वाला है और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। 1926 में शहीद भगत सिंह नौजवान भारत सभा पार्टी बनाते हैं, जो हमारे देश में रिलीजियस यूनिटी और रेवोल्यूशन के लिए काम करती है। ये पार्टी शहीद भगत सिंह के कोर बिलीफ को फॉलो करती है, वो है कि अगर हमारे देश को आज़ाद होना है तो हमें धर्म की लड़ाई खत्म करनी होगी। इनफैक्ट भगत सिंह के बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है रिलीजन के बारे में, और अपनी फांसी से पहले उन्होंने रिलीजन पर एक ऐसे भी लिखा जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये रिलीजियस बिलीफ हमें देखने को मिले अक्टूबर 1926 में, जब लाहौर में कई हिंदूज दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे और तभी एक बॉम्ब फेंका गया। हिंदू समाज का मानना है कि एक मुस्लिम ने ही बॉम्ब फेंका है, और इसी वजह से दोनों के बीच दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। पर भगत सिंह की भारत नौजवान पार्टी दोनों कम्युनिटीज को शांत करवाती है ताकि दंगे रुक जाए। अप्रैल 1926 में भगत सिंह अपने साथियों के साथ एक पंजाबी मंथली मैगजीन स्टार्ट करते हैं, कीर्ति। और इस मैगजीन से हमें पहला एविडेंस दिखता है कि भगत सिंह कितने पावरफुल राइटर है। यहाँ तक कि पहली अरेस्ट जो होती है भगत सिंह की, वो उनकी वायलेंस की वजह से नहीं होती बल्कि उनकी राइटिंग की वजह से होती है। मैगजीन में छपे आर्टिकल्स की वजह से उनको जेल डाला जाता है, और जेल से छुड़ाने के लिए उनको 60,000 रुपये देने पड़ते बेल के लिए, जो उस समय सबसे हाईएस्ट अमाउंट था किसी भी बेल का। पर भगत सिंह की पकड़ बस अपनी राइटिंग पर नहीं है बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर भी है। हालांकि कई नेता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं पर वो यूनाइटेड नहीं है, तो उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी भगत सिंह लेते हैं। वो देश के क्रांतिकारियों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं सितंबर 1928 दिल्ली के फिरोशा कोटला फोर्ट में। इस मीटिंग में कई जरूरी डिसीजंस लिए जाते हैं। एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA बनाई जाती है, जिसके कमांडर इन चीफ बनते हैं चंद्रशेखर आजाद, और पार्टी के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर बनते हैं भगत सिंह। पर एक प्रॉब्लम है, दूसरे क्रांतिकारी बोलते हैं कि भगत सिंह को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है, पर उनकी पगड़ी की वजह से अंग्रेज उनको बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? भगत सिंह के पास इसका जवाब है। वो कहते हैं कि वो अपनी दाढ़ी काट लेंगे अपने लुक को बदलने के लिए, ताकि उनको कोई पहचान ना सके। 15 सितंबर 1928 फिरोजपुर में भगत सिंह अपने बाल काट देते हैं। ये एक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि भगत सिंह के लिए उनका देश धर्म या किसी और आइडेंटिटी से ऊपर है, जिसके बारे में उन्होंने अपने एक ऐसे में भी बात करी जो उन्होंने जेल में लिखी। और ये ऐसे शहीद भगत सिंह का हमारी दुनिया में बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है। HSRA की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर पोजीशन मिलने के बस एक महीने बाद भगत सिंह के सामने एक बहुत बड़ा टेस्ट आता है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर आता है। ब्रिटिश सरकार ने इस कमीशन को एक साल पहले बनाया था, जिसको दो लॉयर्स लीड कर रहे हैं, जॉन एसब्रुक साइमन और क्लेमेंट एटली। इस कमीशन का मकसद है हमारे देश के लॉज को देखना और उनमें बदलाव करना। पर वो कमीशन जो लॉज बनाएगा जिसका असर हर इंडियन पर होगा, उस कमीशन में एक भी इंडियन ही नहीं है। इसी वजह से इस कमीशन को बुलाया गया व्हाइट मैंस कमीशन। दोनों ही कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग डिसाइड करते हैं कि वो इस कमीशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे ये कमीशन आता है, हजारों लोग विरोध करने लग जाते हैं साइमन गो बैक चिल्लाकर। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे लीडर्स साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड करते हैं, और कमीशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट को। जेम्स स्कॉट को डर है कि प्रोटेस्टर्स कभी भी वायलेंस यूज कर सकते हैं कमीशन मेंबर्स के खिलाफ, इसलिए वो एक लाठी चार्ज चार्ज करते हैं।
भीड़ पर पुलिस अपनी लाठियां बरसा देती है। मदन मोहन मालविया और लाला लाजपत राय पर वार किया जाता है। लाला लाजपत राय बहुत बेरहमी से घायल हो जाते हैं और 10 दिन बाद वो शहीद हो जाते हैं। अब भगत सिंह के कई डिफरेंसेस हैं लाला लाजपत राय से। जैसे लाला लाजपत राय ने टू नेशन थ्योरी सजेस्ट करी, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के हम अलग देश बना सकते हैं, जिसका विरोध भगत सिंह ने किया। पर जब उनको खबर मिली लाला लाजपत राय के शहीद होने की, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हमें इस चीज़ का बदला लेना ही होगा, खून का बदला खून से। 10 दिसंबर 1928, HSRA के लीडर्स एक मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह बदला लेना चाहते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि जेम्स स्कॉट, वो अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट जिसने लाठी चार्ज करके लाला लाजपत राय को शहीद किया, उसको मार दिया जाएगा। HSRA के मेंबर्स कहते हैं कि हमें ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे नौजवानों को क्रांति में इन्वॉल्व करने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद इस काम के लिए वॉलंटियर करते हैं, पर क्योंकि सुखदेव पार्टी की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको प्लानिंग की जिम्मेदारी दी जाती है और ना कि एग्जीक्यूशन की। भगत सिंह और राजगुरु आप अटैक करेंगे, पहल भगत की होगी। पंडित जी आप इन्हें कवर दें। जयगोपाल स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। ऑपरेशन की प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है कि भगत सिंह जेम्स स्कॉट को मारेंगे, राजगुरु भगत सिंह को कवर करेंगे और चंद्रशेखर आजाद उनको भागने में मदद करेंगे। जय गोपाल को जिम्मेदारी दी जाती है उन तीनों को बताने की कि जेम्स स्कॉट पुलिस स्टेशन में कब आ रहे हैं, और उनको बोला जाता है कि उनको जेम्स स्कॉट की गाड़ी का नंबर 6728 याद कर लेना चाहिए। इस अटैक की डेट फिक्स होती है 17 दिसंबर 1928। इस दिन से 2 दिन पहले चारों आदमी अपने रोल को रिहर्स करते हैं, पर रिहर्स करने के बावजूद वो चारों आदमी शायद अपने सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि उस दिन होगा क्या। 17 दिसंबर 1928 लाहौर, जय गोपाल जेम्स स्कॉट को देखते हैं और तुरंत चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु को बोलते हैं कि जेम्स पुलिस स्टेशन में आ चुका है और कभी भी स्टेशन से निकल सकता है। जेम्स स्कॉट जैसे ही एक टर्न लेते हैं तो सडनली 2 नौजवान उनके सामने आते हैं, जिनमें से राजगुरु उन पर निशाना साध कर उनको मार डालते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, जिस आदमी को राजगुरु ने मार गिराया है वो जेम्स स्कॉट है ही। जेम्स स्कॉट तो पहले ही स्टेशन से निकल गए थे अपनी सास को कलेक्ट करने के लिए, जो इंग्लैंड से इंडिया आ रही है। जिस आदमी को राजगुरु ने मार गिराया है वो जेम्स स्कॉट का 21 साल का असिस्टेंट जॉन सॉन्डर्स है। जय गोपाल जिनको आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने एक रॉन्ग आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया। जॉन सॉन्डर्स बुरी तरह घायल है। भगत सिंह उसके पास आते हैं और 4 और राउंड फायर करते हैं, पर इस गलती के बाद चारों आदमी अपने प्लान को फॉलो करते हैं। भगत सिंह और राजगुरु DAV कॉलेज की तरफ भागते हैं, जहाँ चंद्रशेखर आजाद उनको कवर दे रहे हैं। पर जॉन सॉन्डर्स की हत्या करते हुए उनको 2 लोगों ने देख लिया है जो अब उनका पीछा कर रहे हैं, कांस्टेबल चनन सिंह और ट्रैफिक पुलिसमैन WFern। कांस्टेबल क्रांतिकारियों का पीछा करते करते DAV कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि पीछा मत करो, मैं किसी भारतीय को नहीं मारना चाहता, पर कांस्टेबल रुकता नहीं है। इसके बाद राजगुरु कांस्टेबल को मार गिराते हैं, फिर वो भगत सिंह के साथ एक दीवार से छलांग लगाते हैं और अपनी साइकिल पर सीन से भाग जाते हैं। मर्डर के कुछ दिन बाद पूरे लाहौर शहर में पोस्टर्स छपते हैं जिसको साइन किया गया है बलराज के नाम से, जो एक सूडोनिम या फिर एक फेक नाम है चंद्रशेखर आजाद का। पोस्टर्स में लिखा जाता है, सॉन्डर्स की हत्या हो गई है और लाला लाजपत राय की मौत का हमने बदला ले लिया है। पर महात्मा गांधी कहते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने कोई बहादुरी की चीज़ नहीं करी, बल्कि वो कायर है। पर गांधी जी ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों की सरकार देश के नौजवानों को उकसा रही है लाला लाजपत राय जैसे लोगों की हत्या करके, पर अब अंग्रेजों के हिसाब से क्रांतिकारियों ने हद पार कर दी है। लाहौर के हर पुलिस कर्मी को बोला जाता है कि उनको सारे रोड और रेलवे एग्जिट्स को बंद करना है और सभी की जिम्मेदारी है हथियारों को पकड़ना। अब जहाँ लाहौर की पूरी पुलिस उनको ढूंढ रही है, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह एक सेफ हाउस में छुपे हुए। अब उन्होंने अटैक कैसे करना है उसकी तो बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करी, पर शहर से भागना कैसे है अगर लाहौर की पुलिस उनका पीछा कर दिए, इसके बारे में नहीं सोचा। सुखदेव जो ग्रुप के मास्टरमाइंड है,
कोई प्लान क्रिएट करते हैं। वो सभी को एक नेशनलिस्ट लीडर की बीवी दुर्गा देवी के पास ले जाते हैं छुपने के लिए। उनका प्लान है कि लाहौर से वो एक ट्रेन लेंगे कलकत्ता के लिए, पर ट्रेन स्टेशन में तो पुलिस होगी, इसलिए वो प्लान करते हैं कि दुर्गा देवी अपनी आइडेंटिटी बदलेंगी और नाम रखेंगी सुजाता। भगत सिंह अपना भेष बदल के रंजीत बनेंगे, सुजाता के पति और राजगुरु उन दोनों के नौकर। भगत सिंह कलकत्ता पहुंचते हैं और उधर उसी समय कांग्रेस का एक सेशन चल रहा होता है जिसको वो अटेंड करते हैं, पर अटेंड करने के बाद वो इतने निराश हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस अभी भी अपर क्लास डोमिनेटेड पार्टी है। फिर वो तुरंत कलकत्ता से आगरा आ जाते हैं जहां उनके कई क्रांतिकारी दोस्त मौजूद हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव। मीटिंग्स में सभी लोग डिस्कस करते हैं कि सॉन्डर्स की हत्या के बाद उनको वो नतीजा मिला नहीं जिसकी वो उम्मीद थी। अंग्रेज तो इतने डरे ही नहीं, उल्टा वो और स्ट्रिक्ट हो गए। इसलिए भगत सिंह और उनके साथी डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ और बड़ा करना है। इंडियन पार्लियामेंट अभी सेशन में बवाल मचा हुआ है दो बिल्स को लेकर, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। अंग्रेज इन बिल्स को लाना चाहते हैं इंडिया के ट्रेड यूनियंस को रोकने के, जिसकी वजह से अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो अंग्रेज उनको बिना ट्रायल के डिटेन कर सकते हैं। भगत सिंह जानते हैं कि इन बिल से अंग्रेज देश के कर्मचारियों की रीढ़ तोड़ना चाहते हैं और उससे वो कभी भी किसी भी क्रांतिकारी को अरेस्ट कर पाएंगे। अब इंडियन पार्लियामेंट में कई इंडियन लीडर्स तो हैं जो इन बिल्स का विरोध कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी तो अंग्रेजों के हाथ में ही है। इसलिए अप्रैल 8, 1929 को जब वाइसराय लॉर्ड अर्विन इन बिल्स को पास करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर एक छोटा सा ग्रुप खड़ा है। इस ग्रुप में है HSRA के मेंबर्स। दुर्गा देवी के हाथ में कई फल और मिठाइयां हैं भगत सिंह के लिए। उनके अंगूठे को काट कर भगत सिंह का तिलक किया जाता है क्योंकि पार्टी के कोर कमिटी मेंबर्स जानते हैं कि कुछ ही मिनटों में होने क्या वाला है। HSRA के मेंबर्स पार्लियामेंट में एंटर करते हैं। वो पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी से नजारा देखते हैं कि इन बिल्स को कैसे पास किया जा रहा है। जैसे ही पब्लिक सेफ्टी बिल पर वोटिंग स्टार्ट होने वाली होती है, भगत सिंह और उनके साथी बीके दत्त दो बॉम्ब्स फेंकते हैं। वो अपने पिस्टल से हवा में दो शॉट्स फायर करते हैं और अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ हवा में पैम्फलेट्स फेंकते हैं। वो चिल्लाते हैं इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। पैम्फलेट में लिखा है कि एक ऊंची आवाज से ही बहरे लोग को सुनाई दे सकता है। भगत सिंह फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ऑगस्ट वेलिन के रास्ते पर चले, पर थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि भगत सिंह की जिंदगी का अंजाम भी वही होगा जो ऑगस्ट वेलिन की जिंदगी का हुआ। बम फोड़ने के बाद दोनों ही बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो अरेस्ट हुए और उनका एक ट्रायल हो। और कुछ ही देर में हमारे देश को पता चलने जा रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस बॉम्बिंग के बाद ब्रिटिश सरकार आर्ग्यू करती है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो किया वो एक सेडिशन का केस है, पर जवाहरलाल नेहरू इस चीज से डिसएग्री करते हैं। अलाहाबाद में वो एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने हिंसा इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेजों की सरकार इतनी निर्दयी या फिर इनह्यूमन है। पर महात्मा गांधी कहते हैं कि जो ये नौजवानों ने किया उससे देश की आजादी मिलना और मुश्किल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि ये दिन देश के लिए एक बहुत बुरा दिन है, इससे हमारे देश का फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमारे देश को या तो गांधी का रास्ता चुनना होगा या फिर चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों का। पर भगत सिंह के दिमाग में फुल क्लैरिटी है, वो जानते हैं कि उनकी अरेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है और वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते ही रहे। असेंबली बॉम्बिंग का ट्रायल स्टार्ट होता है 7 मई 1929 को। पूरा केस फिर बस इसी बुनियाद पर बनता है कि जो बॉम्ब भगत सिंह और बीके दत्त ने फेंका उससे लोगों की जाने जा सकती थी, पर उनका जवाब है कि उनका मकसद लोगों को मारना नहीं बल्कि लोगों को जगाना है। भगत सिंह से पूछा जाता है कि इनकलाब का मतलब क्या है। अब मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि उनकी उम्र 22 साल की है और देखो कि कितनी मैच्योरिटी से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। वो कहते हैं कि इनकलाब का मतलब है कि हमें आज के समाज को बदलना होगा जो इनजस्टिस अन्याय पर बेस्ड है। वो कहते हैं कि इनकलाब का पिस्टल या फिर बम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका लेना देना है समाज के अन्याय से। और अब आप खुद सुनो कि वो कोर्ट रूम में कैसी स्पीचेस देते हैं। एक तरफ किसान जो सभी के लिए मक्का उगाता है,
वो अपने परिवार के साथ भूखा मर जाता है। टेलर जो दुनिया भर के बाजारों में कपड़े बेचता है, उसको अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं मिल पाते। उन्होंने इस अन्याय के एग्जाम्पल्स भी दिए। राजगीर, लोहार और कारीगर जो शानदार महल बनाते हैं, वो झुग्गियों में रह रहे हैं और वहीं मर जाते हैं। और दूसरी ओर ये अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाते हैं, अपने मजे के लिए लाखों लोगों को बर्बाद कर देते हैं। और अपनी इस क्रांति के सपोर्ट को डेवलप करने के लिए वो एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। वो पब्लिक और मीडिया के सामने आते हैं इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे स्लोगन्स के साथ। वो राम प्रसाद बिस्मिल के गाने सरफरोशी की तमन्ना को गाते हैं। उनके ट्रायल्स पब्लिक इवेंट्स बन जाते हैं। हजारों लोग कोर्ट्स के बाहर मौजूद होते हैं उनको देखने के लिए। भगत सिंह और उनके साथी मानो देश के हर अखबार के फ्रंट पेज पर आ रहे हैं। पर अपनी क्रांति के लिए भगत सिंह को और अटेंशन चाहिए और इसीलिए वो जेल में एक भूख हड़ताल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको उसी तरह ट्रीटमेंट दी जाए जेल में जो यूरोपियन कैदियों को मिलती है। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। जब उनके पिताजी जेल में जाते हैं ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए, तब वो देखते हैं कि उनका बेटा जमीन पर है और इसके हाथ चेन से बंधे हुए। भगत सिंह उठने की कोशिश जरूर करते हैं पर कमजोरी के मारे इमीडिएटली गिर जाते हैं। पिताजी रिक्वेस्ट करते हैं उनको अपनी हड़ताल तोड़ने के लिए, पर वो ऐसा करते नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी खुद जाते हैं जेल में यही चीज करवाने के लिए, पर भगत सिंह वापस मना कर देते हैं, क्योंकि भगत सिंह जानते हैं ये करना जरूरी क्यों है। भूख हड़ताल के दौरान जब वो कोर्ट रूम में जाते हैं अपने ट्रायल के लिए, तब लोग देखते हैं कि वो कितने कमजोर हो गए। उनका वजन 6 किलो तक गिर गया है, उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो एक स्ट्रेचर पर है। ऐसी तस्वीरें देश के अखबारों में पब्लिश करी जाती है, जिसके बाद क्रांति की भावना देशवासियों में और बढ़ जाती है। जो भी सैक्रिफाइसेस भगत सिंह ने करे वो रंग लाने लगते हैं। देश भर में इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय मेन स्ट्रीम नारे बन जाते हैं। देश में मानो एक नई मूवमेंट स्टार्ट हो गई है और अंग्रेजों को ये पता चल गया है कि इससे उनको खतरा है। इसलिए वो एक नया बिल तैयार करते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस बिल के तहत मेडिकल रीजंस की वजह से किसी भी अक्यूज का ट्रायल डिले नहीं होगा। ये किया गया ताकि भगत सिंह अपनी भूख हड़ताल से ट्रायल को डिले ना कर पाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई। वो बोलते कि अगर कोई आदमी भूख हड़ताल पर जा रहा है अपने केस के लिए, तो वो न्याय की तलाश में है। पर अब जो अंग्रेजों का केस है भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ, वो और तगड़ा हो गया है। सॉन्डर्स की हत्या का केस और असेंबली में बॉम्बिंग का केस, दोनों को कंबाइन किया जाता है और उसको बुलाया जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह के हैंड रिटन पैम्फलेट्स और उनके हाइड आउट से पुलिस को और एविडेंस बरामद होता है। कई HSRA मेंबर्स जैसे हंसराज वोरा और जय गोपाल सरकार की तरफ से गवर्नमेंट अप्रूवर्स बन जाते हैं और भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ गवाही देते हैं। अंग्रेजों को पता चलता है कि इस ग्रुप के स्ट्रेटेजिस्ट BK दत्त हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट किया गया है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने। अंग्रेजों को यह भी पता है कि अगर उन्होंने ज्यादा देरी करी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इसलिए ट्रायल को स्पीड अप करने के लिए वो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल क्रिएट करते हैं। गांधी जी इस ट्रायल के सख्त खिलाफ हैं और वो वायसराय अर्विन को इस चीज के लिए खत भी लिखते हैं, पर अंग्रेज अपने डिसीजन को नहीं बदलते। एक साल की हियरिंग्स के बाद 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन अनाउंस करता है। बीके दत्त और दूसरे साथियों को उम्र कैद मिलती है, वहीं राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 7 मार्च 1931 को गांधी जी एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि मैं भगत सिंह जैसे बहादुर लोगों की फांसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो वाइस रॉय को कई बार खत लिखते हैं। जब वो पर्सनली भी उनसे मिलते हैं तो वो इस फांसी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अपनी मीटिंग्स में नौजवानों को ये भी कहते हैं कि उनको हिंसा नहीं यूज करना चाहिए। भगत सिंह की फांसी के कुछ घंटे पहले गांधी जी फिर वाइस रॉय से रिक्वेस्ट करते हैं ये फांसी रोकने के लिए, पर डिसीजन ले लिया गया है। भगत सिंह जेल में डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, पर उनको एक चीज मालूम है कि सबसे पावरफुल हथियार उनके हाथ में है, कलम। वो 2 साल जेल में बिताते हैं और रियलाइज करते हैं कि जो गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं वो बस पिस्टल से ही नहीं बल्कि एक पेन से भी हो सकते हैं। वो अपने साथी सुखदेव को कहते हैं कि जेल में अकेले रहकर ही कोई भी आदमी समाज की अच्छाई और बुराई के बारे में सोच सकता है। एक दिन एक दूसरा कैदी
उनका मजाक उड़ाता है कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, इसी वजह से वो एथिस्ट है, जिसके बाद वो एक ऐसे लिखते हैं जो 90 साल बाद भी डिस्कस हो रहा है, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। इस ऐसे में वो कहते हैं कि वो एथिस्ट है क्योंकि वो साइंस और रैशनैलिटी में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान के पास बहुत सारी पावर है और वो सबकी चिंता करते हैं, जबकि हमारी दुनिया में इतनी गरीबी है और इतना अत्याचार है। वो कहते हैं कि उल्टा ह्यूमंस ने धर्म को यूज किया है एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो कहते हैं कि कोई भी धर्म कमजोर और गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं करता। इस राइटिंग की वजह से भगत सिंह समाज और अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। उनके पास आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी नहीं है, कमी बस है समय की। March 23, 1931, लाहौर जेल के सेल नंबर 14 में देश का एक महान क्रांतिकारी कैद है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिन में अपने सेल के बाहर रहने के लिए कहा जाता था और जब सूरज डूबता था तो वो अपने वापस सेल के अंदर आते थे, पर इस दिन ऐसा नहीं हुआ। कांस्टेबल चरित सिंह ने कैदियों को बोला कि 4 बजे ही यानी कि सनसेट के पहले उनको अपने सेल के अंदर आना होगा। सभी कैदी बहुत सरप्राइज हो गए कि ऐसा हो क्यों रहा है। सभी लोग चरित सिंह को पसंद करते थे क्योंकि वो कैदियों की मदद करते थे बुक्स स्मगल करने में, जिनको अंग्रेजों ने बैन कर दिया है। और उन कैदियों को बताया जाता है कि कैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिलने वाली है। एक कैदी खुद भगत सिंह के सेल में जाता है उनकी यादें प्रिजर्व करने के लिए। भगत सिंह उनको अपनी कंघी और पेन देते हैं। जिस रास्ते से भगत सिंह गुजरने वाले हैं, सारे कैदी उनका इंतजार करते हैं। चरित सिंह उनके सेल के बाहर खड़े हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। फिर भगत सिंह अपने लॉयर से मिलते हैं और इमिजिएटली पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वो किताब लाए जिसके लिए मैंने मांग करी थी, द रेवोल्यूशनरी लेनिन। लॉयर उनको वो किताब देता है और भगत सिंह इमिजिएटली इस किताब को पढ़ने लग जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके पास ज्यादा समय बचा नहीं है। लॉयर फिर उनसे पूछता है कि देश के लिए क्या उनका कोई आखिरी मैसेज है। भगत सिंह बस 2 चीजें कहते हैं, और साम्राज्यवाद का नाश हो। फिर उनसे पूछा जाता है और कुछ, उनकी और कोई इच्छा, तो भगत सिंह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म वापस हो और इसी देश में, ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूँ। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि इधर भगत सिंह की उम्र बस 23 साल की है। फिर वो अपने लॉयर को बोलते हैं कि मेरी तरफ से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को जरूर थैंक करना जिन्होंने मेरे केस में इंटरेस्ट लिया। Hello. इसके बाद भगत सिंह को बताया जाता है कि उनकी फांसी 11 घंटे पहले होगी। अगले दिन की सुबह 6 बजे नहीं बल्कि सेम दिन शाम के 7 बजे। पर भगत सिंह ने अपनी किताब कंप्लीट ही नहीं करी। वो पूछते कि कम से कम मुझे एक चैप्टर तो खत्म करने दो। फिर 3 क्रांतिकारियों को अपने सेल से निकाला जाता है और फांसी की तैयारी करी जाती है। जब वो कॉरिडोर से चल रहे होते हैं तो जेल के सभी कैदी ये गाना गाना स्टार्ट करते हैं। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। तीनों आदमियों का वजन लिया जाता है और उनको काले कपड़े पहनाए जाते हैं। चरित सिंह भगत सिंह के कान में बोलते हैं कि वाहे गुरु का नाम ले ले। भगत सिंह क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी मैंने मत्था नहीं टेका, इनफैक्ट मैंने कई बार भगवान को गालियां दी हैं कि तुमने लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया। अगर मैं आज उनसे माफी मांगूंगा तो वाहे गुरु मुझे बोलेंगे कि ये कितना कायर है जो अपने अंत तक आकर मुझसे माफी मांग रहा है। तीनों क्रांतिकारी अपने सर पर मास्क पहनने से मना कर देते हैं। भगत सिंह कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि पूरा देश याद रखेगा कि कैसे उन्होंने मौत के सामने भी हार नहीं मानी। वो तीनों एक दूसरे को गले लगते हैं और चिल्लाते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। दूसरे कैदी अब इंकलाब जिंदाबाद के नारे गाते हैं। तीनों आदमियों को खड़ा करा जाता है, फांसी के फंदे को कसा जाता है और उनके हाथ और पैर बांधे जाते हैं। फिर जल्लाद उनसे पूछता है कि पहले कौन जाएगा। सुखदेव कहते हैं वो। इसके बाद जल्लाद एक एक करके तीनों को फांसी देते हैं। और इसी के साथ देश के 3 बहादुर फ्रीडम फाइटर्स शहीद हो जाते हैं। 9 साल के भगत सिंह ने अपनी माँ को बोला था कि माँ ये मेरे हीरो हैं, दोस्त और साथी। और शहीद सरदार करतार सिंह सराभा की तरह 14 साल बाद भगत सिंह भी लाहौर की सेंट्रल जेल में शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह हमारे देश की आज़ादी देख नहीं पाए,
पर उनकी वजह से हम एक आज़ाद भारत में आज जी रहे हैं। पर अगर हम उनकी लेगेसी को जस्टिस देना चाहते हैं तो हमें उनकी किताबें पढ़नी चाहिए और वही क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी चाहिए जो शहीद भगत सिंह प्रमोट करना चाहते थे। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट टुत्सी के इनविजिबल अलाइनर, जिससे आप अपने दांतों के बीच के गैप्स को कम कर सकते हो और टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आपको एक फ्री स्कैन मिलेगा जो लिमिटेड लोगों के लिए। मूवमेंट ही खराब कर दिया, इतना हम खो गए थे आपने फिर से ये। बाकी यार क्या बोले भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी के बारे में यार दिल से उनको सलाम है हमारा यार, उनकी टीम को, उनके दोस्तों को, जो मतलब अपने देश के लिए इतना भाई लड़े, कुर्बानियाँ दी, डरे ही नहीं भाई, डट के खड़े रहे। उनकी अपने जो गांधी जी हैं, बड़ा नाम भाई, फादर ऑफ नेशन, वो उनके खिलाफ हो गए भाई, ये अत्याचार, ये जो अहिंसा है ये ना करो भाई, और मतलब उनके ही कहने पे चलो। लेकिन फिर उन्होंने सोचा हर बात में हम उनकी नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, अगर वो हमारे लोगों को मारेंगे तो हम भी जवाब देंगे। और ये शहीद भगत सिंह सही कर रहे थे भाई, जिस तरह हमें आज पता चला ना उनके बारे में, रोंगटे खड़े हो गए भाई, क्या बंदा था, इतनी कम उम्र में भाई इतनी सोच रखना। और हमारा जो कायदे आज़म, उन्होंने भी उनके लिए आवाज़ उठाई, तो फिर तो भाई ये बड़ी बात है यार। यार कोई मतलब इतना कैसे मतलब हो सकता है कि बेचारे अपनी देश के लिए, आज़ादी के लिए तो कर रहे थे, और अंग्रेज़ इतने बहरे कमीने कहीं के यार, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 23 साल उम्र के कैसी उम्र है यार, जवानी की उम्र है उनकी यार, वो अपने देश के लिए इतना सोचते थे, अपने लोगों के लिए। उन्होंने अपने धर्म को भी पीछे छोड़ दिया, बोला मैं देश के मतलब देश से कोई चीज़ ऊपर नहीं है मेरे लिए। उन्होंने अपना बाल काट दिए, हर चीज़ अपने देश के लिए की। और बचपन का किस्सा बताया तो ज़मीन में ही खोद रहे थे कि हथियार एक दिन आएंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन भाई जब लास्ट में इन्होंने बताया ना, उन्होंने आज़ादी नहीं देखी, ये बड़ा हमें झटका लग गया यार। बहुत अफसोस हुआ आज उनके बारे में देखा ना, मतलब बहुत मतलब हमें दुख हो रहा है यार। ये एक सच्चा आदमी यार, एक अजीम इंसान, वो इन अंग्रेज़ों की वजह से शहीद हो गया, बड़ा अफसोस हो रहा है यार। यार आज मैं भी देख कर ना इसकी कहानी भाई, शहीद भगत सिंह की सुनकर ना भाई रोंगटे खड़े होंगे। ऐसा भी दिलेर इंसान था भाई, महात्मा गांधी से भी ये बड़ा इंसान है भाई। ये आज़ादी के लिए कितना लड़ा है अपनी कम उम्र में भाई साहब। महात्मा गांधी हर इसके फैसले के खिलाफ था भाई, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। ये बंदा जो है ना शहीद भगत सिंह भाई, इसको सलाम है मेरा भाई। इसका आज मैं सुना ना रोंगटे खड़े होंगे। लास्ट वाला तो भाई सबसे हट कर था भाई साहब, जब इसकी फांसी थी 11 घंटे पहले ही दे दिया भाई, कहीं और भी ना ये मैसेज पहुंचा दे लोगों के पास भाई। आखिरी लफ्ज भी इसके यही थे भाई, इनकलाब जिंदाबाद। ये इसने आग लगाई सारे हिंदुस्तानी लोगों में भाई, आज़ादी चाहिए भाई, हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा। इसके जो लास्ट वाला ये सीन हुआ ना भाई साहब, बड़ा सा बीच में जो हमने सुना था 1200 लोगों को गोलियाँ चलाई अंग्रेज़ों ने, उसकी भी हमने देख कर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। बड़े बेरहम थे हम तो, अब इसके कहते हैं अंग्रेज़ बड़े अच्छे हैं भाई, वो उसूलों पर है, नहीं भाई बड़े कमीने इंसान है भाई। आज देखा ना ये 1200 को भाई वहाँ पर ही भाई साहब गोलियाँ, क्या मंजर होगा भाई। तो यार इतना बड़ा लीडर यार, 3 उसके दोस्त थे, 2 जो बड़े लड़े भाई। आज हमें भी जज्बा, आज लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी हुई, बट असल तो ये बंदा है भगत सिंह जी, ग्रेट लीडर है भाई ये बात। हाँ भाई आज वाली जो कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो रियल स्टोरी थी ना भगत सिंह शहीद की, सच्चाई थी। महात्मा गांधी शुरू से ही है ना ठंडे इंसान है, एक शहीद भगत सिंह और दूसरा बोस, ये दो बंदे थे ना बड़े हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में, बड़ा इनका किरदार है। बाकी महात्मा गांधी तो भी जरा ठंडा है, बोलता है शांति करो शांति करो भाई, शांति में कुछ नहीं होगा, जोश में आज़ादी मिलती है भाई लोगों को। 1200 लोग शहीद हो गए, अंग्रेजों ने उनको गोलियां मारे सीधी भाई, वो जो बातचीत कर रहे हैं चारों तरफ से घेर लिया, वहां पर तो मुद्दा नहीं उठाया ना महात्मा गांधी ने, बोला शांति करो, 1200 और मरे कोई, शांति हो जाओ शांति हो जाओ, अहिंसा नहीं चाहिए भाई, अहिंसा अहिंसा में बोलते हैं ना, एक गाल पर दूसरा मारे तो दूसरा दे दो भाई, लाफा मारो उसको तो वो सीधा हो जाए ना, दूसरा गाल तो पहले ही मोटा में सुझा देगा भाई दूसरा गाल। बाकी जोश आ गया भाई, भगत सिंह की उम्र भी 23 साल थी, 23 साल में बड़े बड़े लीडर हुए ना, इस जगह पर नहीं पहुंचते। आज भी देखो ना हिंदुस्तान में यही इन्हीं का जो है ना गाया जाता है, महात्मा गांधी पर मैंने देखा है
एक गाल दो दूसरा लगा है भाई, ऐसा नहीं होता है। अभी जो है ना तब्दील हो गई है। और हमारा देखो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, उसने भी बोला सपोर्ट किया शहीद भगत सिंह को, बोला जो कर रहा है ना वो अच्छा है। महात्मा गांधी जब भी मैंने देखा है बोला शांति शांति। भाई शांति कब शांति होगी? शांति से कुछ नहीं होगा, शांति से घर बार भी लूट जाएंगे। जोश वाले बंदों को सपोर्ट करेंगे भाई, हिंदुस्तान में जितने भी आज़ादी मिली है ना, मैं तो मानूंगा उसको बोस को, सुभाष। हाँ, ये वाले जो तगड़े थे ना उनका तो नाम ही नहीं है। बाकी जो शांति वाले वो आगे आगे नहीं भाई, ये वाले बंदे सपोर्ट है बाबा इनको। सही बात है भाई। भाई आज तो मैं जिंदगी में पहली बार ये वीडियो देखा है भाई का, तो मेरे आंखें ही खोल दी है इस भाई ने। 30 साल की उम्र में भाई, क्या उम्र। हाँ भाई, मैं तो यार हैरान हो गया हूँ, ये बच्चा था हमारी उम्र का, इतनी बड़ी सोच रखता है भाई। वो बंदूक वो गा रहा है भाई, बच्चे ने भगत सिंह ने, इसकी आज़ादी भाई हकीकी है। ये गांधी जी तो भाई लुल हो गया है बीच में ही, मज़ा आ गया। दोनों ही अपनी जगह पे ठीक थे, बट शहीद भगत सिंह जी भाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्या नारा लगाया लास्ट में। वसीयत भी पूछी तो नहीं, दो लफ्ज बोले भाई इनकलाब जिंदाबाद, क्या बंदा था भाई। यकीन करें अभी तक दिलो दिमाग में यही नाम इनका चल रहा है।